जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड से मिली जीत में बाद अब साउथ अफ्रीका को फाइनल में कुचलने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पिच को देखते हुए घोषित कर दिए टीम इंडिया की सबसे घातक प्लेइंग 11। जी हाँ दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए टीम में कर दिए हैं 3 से 4 चौंकाने वाले बड़े बदलाव। रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे समेत 3 खिलाड़ियों को टीम इंडिया से बाहर रास्ता दिखा दिए है, जबकि उनके जगह पर 4 दिग्गज शेरों की टीम में वापसी कराए हैं, जिसे देख क्रिकेट जगत में भूचाल आ गए हैं। तो आखिरकार भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यह महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा? क्या है पीच रिपोर्ट एंड मौसम का हाल? इसकी लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव टेलीकास्ट कहां पे की जा रही है? कैसा है, क्या इंडिया साउथ अफ्रीका से फाइनल जीत पाएगी या फिर नहीं? साथ ही साथ दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा द्वारा 3 से 4 बड़े बदलाव के साथ टीम इंडिया की सबसे खूंखार प्लेइंग 11 सब आपको इस वीडियो में आगे बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीते, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर ही दी जाती है। तो दोस्तों, अब T20 वर्ल्ड कप 2024 का महामुकाबला अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। सेमीफाइनल महामुकाबला खत्म हो चुका है और अब भारत और साउथ अफ्रीका फाइनल में आमने सामने भिड़ने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का महामुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। जब इस महामुकाबले की शुरुआत हुई तो बारिश ने बहुत ज्यादा खलल डाली, लेकिन किसी भी तरह से टॉस हुआ और इंग्लैंड के कप्तान जॉश बटलर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी। लेकिन एक बार फिर से विराट कोहली पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए और कप्तान रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ 57 रनों की पारी खेली और फिर सूर्य कुमार यादव का 47 रन और हार्दिक पांड्या के 23 रनों का के बदौलत भारतीय टीम 171 रनों की स्कोर खड़ा करने में सफल रही। फिर इंग्लैंड की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को कमर तोड़ के रख दिया और इंग्लैंड की टीम 103 रन बनाकर ओनल आउट हो गई, जिसमें भारतीय स्पिनर गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया और इंग्लैंड से अपना बदला भी पूरा कर लिया। अब सेमीफाइनल खत्म होने के बाद साउथ अफ्रीका को हराने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा तैयार हो चुके हैं। और आपको बता दें, भारत और साउथ अफ्रीका की टीम दोनों शानदार टीम है। इस T20 वर्ल्ड कप में दोनों ही टीम शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं, जहां साउथ अफ्रीका की टीम भी अपने ग्रुप स्टेज में पहले शानदार प्रदर्शन करके आई, फिर सुपर 8 में भी शानदार प्रदर्शन करके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई भी कर चुकी थी। वहीं भारतीय टीम पहले ग्रुप स्टेज में लगातार महामुकाबले को जीती, फिर सुपर 8 में भी सभी मुकाबलों को चकनाचूर करते हुए सेमीफाइनल को जीतकर यहां फाइनल में अपना जगह बना चुकी है। ऐसे में साउथ अफ्रीका और भारत के बीच यह फाइनल महामुकाबला होने वाला है। जब जब दोनों टीमें आमने सामने होती हैं, रोमांच की सारी हदें पार हो जाती हैं। तो दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यह फाइनल महामुकाबला 29 जून को बड़वाड़ोस के मैदान पर खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत भारतीय समय अनुसार रात को 8 बजे से होगा। वहीं बात करें साउथ अफ्रीका को बुरी तरह से हराने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा द्वारा टीम इंडिया की सबसे घातक प्लेइंग 11 के बारे में, तो ओपनिंग बल्लेबाजी के तौर पर आपको यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यशस्वी जायसवाल भी शानदार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि अभी तक इस T20 वर्ल्ड कप की पूरे टूर्नामेंट से बाहर चल रहे थे, लेकिन सेमीफाइनल में भी भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ओपनिंग में बुरी तरह से फ्लॉप नजर आए हैं, जिसके बाद अब ओपनिंग में बड़ा बदलाव होना तो तय हो चुका है और यशस्वी जायसवाल को शामिल कर लिया गया है, जो कि तावर तोड़ बल्लेबाजी का नजारा पेश करने वाले हैं। वहीं बात करें रोहित शर्मा के बारे में, तो दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर से अपने फॉर्म में वापस आ चुके हैं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दिखा रहे हैं भी, जहां सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ शानदार रन बनाए, फिर इंग्लैंड के खिलाफ भी 57 रनों की ताबड़तोड़ विस्फोटक पारी खेलकर भारतीय टीम को जीत दिलाए थे। वहीं तीसरे नंबर पर आपको विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, विराट कोहली नंबर 3 पर शानदार बल्लेबाजी कर सकते हैं,
लेकिन जब भी ओपनिंग में उतरे हैं बिल्कुल फ्लॉप नजर आए हैं, तो एक बार फिर से मिडिल ऑर्डर में खेलने का मौका दिया गया है। तो दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि फाइनल महामुकाबले में अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने बल्लेबाजी से कैसा कोहराम मचाते हैं। तो वहीं दोस्तों, चौथे नंबर पर T20 के बादशाह सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से इस T20 वर्ल्ड कप में भौकाल मचाकर रखे हैं। बैक टू बैक महामुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि पिछले महामुकाबले में अपने अर्धशतक से चूक गए थे। तो अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी अपने बल्लेबाजी से शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। वहीं पांचवें नंबर पर आपको शिवम दुबे खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, शिवम दुबे इस T20 वर्ल्ड कप में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, बल्लेबाजी में बिल्कुल फ्लॉप नजर आए हैं, लेकिन छोटी बड़ी पारी खेल सकते हैं। और अगर यह अपने पिछले फॉर्म में आ गए तो स्पिनर के खिलाफ धुलाई करके भारतीय टीम को एक तरफा जीत दिला सकते हैं। वहीं छठवें नंबर पर आपको भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि पिछले महामुकाबले में 4 रनों की छोटी सी पारी खेलकर आउट हो गए थे, लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत का प्रदर्शन भी कमाल का रहा है। तो ऋषभ पंत के प्रदर्शन पर शक करना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यह अपने बल्लेबाजी के दम पर कभी भी पासा पलट सकते हैं और भारतीय टीम को एक तरफा जीत दिला सकते हैं। वहीं दोस्तों, सातवें नंबर पर भारतीय टीम के उपकप्तान हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या अपने गेंदबाजी के साथ साथ अपने बल्लेबाजी से भी भारतीय टीम को अच्छा शुरुआत दिलाने का काम करते हैं, जिसका नमूना आपको एक बार फिर से सेमीफाइनल महामुकाबले में देखने को मिल चुका है, जहां 13 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 23 रन बनाए और भारतीय टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाए थे, हालांकि गेंदबाजी से कुछ खास नहीं कर पाए। वहीं आठवें नंबर पर आपको अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से भारतीय टीम को अभी तक प्रभावित कर चुके हैं, क्योंकि पिछले महामुकाबले में सेमीफाइनल जैसे महामुकाबले में शानदार गेंदबाजी करके इंग्लैंड के बल्लेबाजों को पूरी तरह से कमर तोड़ के रख दिए थे, और आने वाले फाइनल जैसे महामुकाबले में यह अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी से कमाल का प्रदर्शन करके दिखाने वाले हैं। वहीं नौवें नंबर पर भारतीय टीम के स्टार स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, इस T20 वर्ल्ड कप में अपने चाइना मैन स्पिन गेंदबाजी से कमाल का प्रदर्शन करके दिखाए हैं,